हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय और आज हम सीखेंगे कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ऑडियो स्पेक्ट्रम ऑडियो विजुलाइजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐप को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक इमेज को चूज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने गैलरी से एक फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसका जो है साइज़ को यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना साइज़ ले लेते हैं, जो भी आपको जिस साइज़ में भी रखना होगा, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में या फिर स्क्वायर में, तो वो आप खुद चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट म्यूजिक टू सी द इफ़ेक्ट, तो हम यहाँ पे पहले नंबर यहाँ पे म्यूजिक सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी म्यूजिक आपको रखना हो, यहाँ पे या तो स्क्रॉल करके सर्च कर सकते हैं या तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक ऑडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप मैक्सिमम 30 सेकेंड का ही ऑडियो स्पेक्ट्रम जो है बना सकते हैं। तो हम यहाँ से इमेज सेलेक्ट करने के बाद, म्यूजिक सेलेक्ट करने के बाद, अब हम यहाँ पे कैसे विजुलाइजर को यहाँ पे अपना क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं लास्ट कॉर्नर में विजुलाइजर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वाले नंबर पर क्लिक कर लेंगे। तो हम इसका जो है यहाँ पे विड्थ और हाइट, पोजीशन जो भी है, यहाँ से सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसकी जो है विड्थ कंट्रोल करेंगे और इसका जो है पोजीशन, तो पोजीशन हम यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ पे हम स्टाइल में यहाँ पे, और यहाँ पे कई सारे दिए गए, यहाँ पे बार्स और सर्किल में भी रख सकते हैं। तो हमें सर्किल में नहीं रखना है, तो हमें जो भी है यही देना है। तो ये हमारा जो है कई ऑप्शन दिए हैं, डिस्प्ले ऑप्शन में साइड में देना है या फिर लेफ्ट में, यहाँ से अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में देना है या फिर बॉटम में देना है या फिर टॉप में, तो जैसे भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लो टाइप, यहाँ पे हम चीज़ों, यहाँ पे अपने विजुलाइजर में ग्लो भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आउटलाइन भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे इनर भी दे सकते हैं, आउटर भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम ग्लो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हमारा बैंड में जाएंगे, यहाँ पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी बैंड, मतलब इसका जो भी डॉट लाइन होता है वो कितना आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 64 ना, इसमें हम कम करेंगे। और यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है 5 है, तो इसको हम और इंक्रीज़ करेंगे, देख सकते हैं इसको। तो इसका नंबर हमें और कम कर लेते हैं और इसको हम और इंक्रीज़ करते हैं थिकनेस। और यहाँ पे जाएंगे स्टाइल में और बैंड्स में, और इसकी जो है यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसकी हाइट को और इंक्रीज़ करते जाएंगे, 40-50 तक रख लेते हैं, काफ़ी बेहतर आता है। तो ये होने के बाद आपका देखिए जो है विजुलाइजर बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, जैसा आपका म्यूजिक बिहेव कर रहा है वैसा ही आपका ये विजुलाइजर भी बिहेव कर रहा है। तो अभी आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, आप यहाँ पे मोशन भी दे सकते हैं अपनी इमेज में कि कैसा मोशन दिखेगा। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे जो है फ्लिंच का दिया है, रैंडम दिया गया, ये जो है जूम आउट होता रहता है, जूम इन जूम आउट होता रहेगा या फिर इमेज जो है इधर उधर मूव करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बीट के अकॉर्डिंग इमेज आपका जो है बिहेव करेगा, जैसे जैसे आपके म्यूजिक का बीट बिहेव करेगा वैसे वैसे इमेज भी यहाँ पे मूव होता रहेगा। यहाँ पे नन भी रह सकते हैं, यहाँ पे ये हम यहाँ पे बीट को जो है रैंडम वाला चूज कर लेंगे या कोई भी सा भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चाहेंगे तो आप कोई भी फ्रेम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेम हम कोई भी नहीं चूज करते। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम भी दिए हुए हैं, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कलर ओवरले भी दिया गया है, तो कलर भी आप यहाँ पे इमेज का चेंज कर सकते हैं। फिल्टर भी काफ़ी दिया गया है, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मोशन तो आपको मैंने दिखाई दिया है, यहाँ पे कलर इफ़ेक्ट भी आप देख सकते हैं, तो ये कलर चेंज होता रहता है। तो आप देखेंगे ये ब्लू से रेड होता हुआ दिख रहा है, ब्लू रेड, और यहाँ पे वाइट फ्लैश होता रहेगा। और फिर यहाँ पे फिल्टर भी आपको बहुत सारे दिए गए हैं। और पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वरना आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इफ़ेक्ट दिए गए हैं, तो आपको अगर ऐप अच्छी लगती है तो इसका भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और इजीली वे में आप इसको अपनी वीडियो पे अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको नन कर लेता हूँ
और यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी टेक्स्ट भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ ब्रांड BGM। तो जब यहाँ पे ना, तो आप अब यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे। यहाँ पे कलर आप चूज कर सकते हैं, तो मैं इसको वाइट ही रखता हूँ। तो ये हो जाए, तो मैं अब इसको यहाँ पे जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसका पूरा कंट्रोल आ जाता है। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे इसका जो है विड्थ और इसका जो है हाइट यहाँ से कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे पोजीशन और जो है टेक्स्ट का साइज भी यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं। तो हम जो है इसका जो हाइट और यहाँ पे पोजीशन सेट कर लेते हैं हमारा, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हमारा जो है वीडियो पूरी तरीके से बन गया है। तो अब हम इसे यहाँ पे इजीली वे में यहाँ पे सेव पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो है वीडियो अभी प्रोसेस में चल रहा है और यहाँ से जैसे ही 100% कंप्लीट होगा आपका जो है वीडियो इजीली वे में एक्सपोर्ट हो चुका होगा। तो आप यहाँ से बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से ऑडियो स्पेक्ट्रम वीडियो बना सकते हैं, विजुलाइजर क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।